यहां विदिशा जिले के लटेरी वन क्षेत्र में मंगलवार की देर रात वन विभाग के गश्ती दल ने लकड़ी चोरी के शक में कुछ युवकों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए न्यायिक जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बुधवार की देर रात रायपुरा के रहने वाले कुछ लोग विदिशा जिले की लटेरी तहसील के जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहे थे। लौटते समय वन विभाग की टीम और लकड़ी काटने वालों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में वन विभाग की टीम ने लकड़ी काटने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसमें चैन सिंह नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक घायल ने खुद ही आपबीती बताई। इसके साथ ही अधिकारियों ने भी पूरे मामले की जानकारी दी। जंगल से आ रहे थे लकड़ी लेके, खट्टेपुरा है ना, वहाँ से रेनी वाले ने फायरिंग कर दी। हम दौड़ के गए तो हमारे लग गए। क्या हुआ? और कुछ नहीं हो, भाग गए बस। क्या कौन कौन खत्म हो गया? कितनी गोलियाँ चली? चेन सिंह खत्म हो। कितनी गोलियाँ चली? 5-6-7। किस लिए गए थे आप लोगों? लकड़ी लेने। फॉरेस्ट वाले बोलिए। 9 तारीख। और घायल कितने लोग हो? 2-3। तीन लोग घायल हैं। हाँ, इसमें एक की मौत हो गई। एक की मौत। 9 तारीख की शाम को प्रक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लटेरी को किसी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खटियापुरा गांव है, वहां पर कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं और जो है मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं। ये अपनी टीम के साथ वहाँ उनको पकड़ने के लिए और रोकने के लिए गए, तो जो लकड़ी चोर थे उन्होंने रास्ते में मोटरसाइकिल डाल करके पथराव शुरू कर दिया। और जब इनको काफ़ी खतरा महसूस हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे आकर के पथराव होने लगा, तो उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी गोली चलाई। तो उसमें पता चला है कि एक ग्रामीण की मृत्यु हुई है तथा 3 अन्य घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल विदिशा में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्यवाही कर दी गई है और 302 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लटेरी की घटना दुखद है और उस पर जो घटना जिन्होंने की है, हुई है, हो गई है, ये सारे बिंदु जांच में, लेकिन न्यायिक जांच के उसमें आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। सर, बिहार में 302 का प्रकरण उसमें दर्ज कर लिया है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है, आर्डर थोड़ी देर में निकलता होगा। जो व्यक्ति एक मृत हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता, उनका संपूर्ण इलाज सरकार वहन करेगी। अब देखना खास होगा कि न्यायिक जांच के बाद अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में रोष दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।